हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। माँ खान के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए मेरी ड्रेसेस, ये मंगाई है मैंने। मेरे घर में हो रहे हैं फंक्शन, शुरू होने वाले हैं, तो ये देखिए इसलिए मैंने ये ड्रेस मंगाई है। एक ड्रेस और मंगाई है, आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखिए मैंने ये लगाया, गरारे से सेट मंगाया है मैंने। और ये है कट स्लीव की कुर्ती, बहुत मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि फंक्शनों में अक्सर कट स्लीव अच्छी लगती है। और मेरे घर को बिल्कुल भी आप गंदा मत कहना क्योंकि सुबह का टाइम है, मैंने साफ़ सफ़ाई भी नहीं करी है कमरे के अलावा। आप लोगों को पता मेरे पास जगह कम है, शॉर्ट है। और ये देखिए मेरा गरारा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं कोशिश करूँगी फुल दिखाने की। और ये देखिए मैंने हल्का फुल्का तैयार भी हो ली आप लोगों को दिखाने के लिए क्योंकि मुझे काफ़ी सारी रील्स भी बनानी थी। और ये देखिए मैं बैंगल, और ये देखिए इयर रिंग्स, बहुत मुझे प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए आप लोगों को कैसी मेरी ड्रेस लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। नेट का दुपट्टा है इसमें, और दुपट्टा दिया है इसमें वाइट कलर का और लेमन कलर का सूट है, ये गरारा है। तो आप लोग बताइए ये मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये हमारे हस्बैंड ही सेल कर रहे हैं सूटों की, तो ये देखिए हमारा लुक। अभी मैं दुपट्टे को ओढ़कर भी दिखाती हूँ, चुन्नी को डालकर। देखिए सर पे रखना चाहे कोई तो इस तरीके से रख दे, जिस तरीके से चाहे, जो स्टाइल बनाना चाहे नेट के दुपट्टे में, तो आसानी से बन जाती है। ये देखिए मुझसे नहीं बन पा रही है, मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को किसी और ब्लॉग में। और ये देखिए मेरी रिंग कितनी प्यारी लग रही है, देखिए कलरफुल कपड़े सारे मैंने कलरफुल लिए हैं क्योंकि शादी फंक्शनों में अच्छे लगते हैं कलरफुल कपड़े। डार्क कलर तो मैं पहनती नहीं हूँ आप लोगों को पता। और ये देखिए ये मेरे पास काफ़ी सारे बैंगल पड़े थे तो मैंने ऐसे ही बना लिया, इसका सेट पहन लिया। ये मेरी रिंग्स है और ये मैं इसी पे चला लूँगी। और लाइट कलर का है ये शरारा। तो ये देखिए मेरा लुक, आप लोग बताइए। नेट का दुपट्टा है, दुपट्टा वाइट है लेकिन चल नहीं रहा है। और घर में देखिए कितनी जगह कम है हमारे पास, देखिए सब बेड पे ही करना पड़ता है, मजबूरी है। और ये देखिए मैं बैठकर कैमरे को लगा रही हूँ, सेट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी ड्रेस पूरी दिखे, लेकिन दिख नहीं रही है। ये देखिए दो पैचों का शरारा है, ये देखिए, और ये कुर्ती है इसकी। और मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊँ कि नीचे क्या है डिज़ाइन बना हुआ, कोशिश तो कर रही हूँ। ये देखिए इसमें ये लेस वगैरह लगी है, हल्की सी लेस लगी, लेमन कलर का है ये। और ये देखिए पीछे से पहले देख लीजिए फ्रंट में, और ये लगी इसकी लटकन। ये देखिए मैं कोशिश फुल कर रही हूँ अपने आप को दिखाने के लिए क्योंकि मैं ही अपने ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। और ये देखिए ये आप लोगों को दूर लग रहा हो, फिर मैं कैमरा को वापस से सही कर रही हूँ साइड। और ये देख लीजिए, ये देखिए ये फाइनल लुक है मेरा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है मेरे साइज़ का ही सिला हुआ है ये सूट, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कलर्स का काफ़ी प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देख लीजिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए मैं कैमरे को बार बार सेट कर रही हूँ क्योंकि ये सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं मुझे तो। ये देखिए मैंने मांग टीका भी लगा लिया है, ये मैं हल्दी में गई थी तभी का मेरा मांग टीका रखा है, बस तब मैंने लगा लिया क्योंकि कलरफुल कपड़ों पे अच्छा लगता है ये। और ये देखिए मेरे बैंगल तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी सारे रखे हैं मेरे पास, मैं मिला कर ऐसे ही पहन लेती हूँ कहीं जाती हूँ। ये निकलती मैं नए लेकर आऊँ, नए नहीं लाती हूँ क्योंकि ये भी मेरे नए रखे हैं खूब अच्छे डब्बे में करके, तो मैं अपना ज़्यादातर यही सेट बना के पहन लेती हूँ उनको। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है लुक मेरा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से लाइक ज़रूर करिएगा। और जितने भी आपके व्हाट्सएप नंबर हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए सबको, मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना। और ये देखिए हमारी चांदनी बता रही है ड्रेस कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लगता है। और ये देखिए पीछे कितना डीप कलर हो रहा है। और ये देखिए इसकी लटकन, ये देखिए। अब मैं आपको अपना फाइनली लुक दिखाऊंगी, जो अभी मैं कोशिश तो फुल कर रही हूँ, हो सकता है इसमें दिख जाऊँ मैं। ये देखिए मैंने सेटेड सब पहन लिया है, फुल दिखा रही हूँ अपने आपको। ये देखिए चांदनी फुल एंजॉय कर रही है मेरे साथ में, इन लोग बच्चों को बहुत मज़ा आता है देखने में। ये देखिए घर देखिए कितना गंदा हो रहा है, फैला हुआ, क्योंकि मेरा माल भी यहीं रखा है, इस चक्कर में क्या कर सकती हूँ, मजबूरी है तो मुझे यहीं पे शूट करना पड़ा है अपना। ये देखिए पीछे से आगे से सब तरह से मैंने दिखा दिया आप लोगों को, कहीं कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए।
और आप लोगों को मैं बहुत मोटी लग रही हूँ कि मोटी नहीं हूँ मैं, लेकिन बस लग रही हूँ आप लोगों को मोटी मोटी, लेकिन मोटी हूँ नहीं मैं, मीडियम हूँ बस, ना तो पतली हूँ ना मोटी हूँ। और मैंने बहुत सारी इस पर रील्स बनाई हैं बहुत सारी, और आप लोग देखना जल्द ही मुझे आप लोगों को देखने को मिलेंगी, मैं अपलोड कर दूँगी। मौज पर भी मैंने अपलोड कर दी है, तो आप लोग मेरी रील्स में भी कमेंट्स अच्छे अच्छे करना, और मेरे इस ब्लॉग को प्लीज़ देखिएगा एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, और मुझे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी, तो आप लोग देख सकेंगे। ये देखिए मेरा लुक, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने खुद लगा लिया अपने आगे माशाल्लाह। ये देखिए कैसे कैसे मैं पोस्ट ले रही हूँ, तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।